9 सितंबर साल 1798 की वो रात जब मशहूर ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शेल जो रोजमर्रा की तरह ही रात के आसमान पर नजर दौड़ा रहे थे, तब अनजाने में ही उन्होंने कैफियस और सिग्नस नक्षत्रों की सीमाओं की ओर धरती से तकरीबन 2,52,00,000 प्रकाश वर्ष दूर उस रात एक ऐसी गैलेक्सी की खोज कर डाली जो आगे चलकर भविष्य में 2 सदियों से खगोलविदों को रोमांचित तो करती ही रही, साथ ही उनके बीच आकर्षण का केंद्र भी बनी रही, क्योंकि इस गैलेक्सी को खगोलविदों ने दूसरी आम नजर आती गैलेक्सी से कुछ अलग पाया। जो अजीब बात इस गैलेक्सी को खास बना रही थी वो थी इस गैलेक्सी में दिखाई पड़ते औसतन से अधिक सुपरनोवास। इसी कारण ये गैलेक्सी खगोलविदों में आगे चलकर साल 2005 में फायरवर्क्स गैलेक्सी के नाम से भी मशहूर हुई। इसका ऑफिशियल नाम वैसे NGC 6946 है और डायमीटर में ये तकरीबन 40,000 प्रकाश वर्ष तक में फैली हुई है। खगोलविदों का मानना है कि इस गैलेक्सी में तकरीबन 200 अरब तारे तक हो सकते हैं। पिछली शताब्दी में ही खगोलविदों ने इस आकाशगंगा में तकरीबन 10 सुपरनोवास को सीधे तौर पर ऑब्जर्व किया, जिनके नाम कुछ इस प्रकार थे। इन्हीं अत्यधिक सुपरनोवास के चलते ये पहली ऐसी गैलेक्सी बनी जिसमें इतनी मात्रा में सुपरनोवास को ऑब्जर्व किया गया हो। ऐसी ही कई रहस्यमय खोजे वैज्ञानिकों ने इस आकाशगंगा में बीते कई दशकों में दर्ज किए हैं, जिनमें से एक थी साल 2009 से 2015 के बीच रिकॉर्ड हुई एक अजीब सी घटना, जिसमें एक तारा अपनी औसतन चमक से कई गुना ज्यादा चमकता हुआ अचानक से गायब हो गया। यहाँ वैज्ञानिकों ने एक और बात जो गौर की वो ये थी कि ये एक सुपरनोवा इवेंट नहीं था। दरअसल इसकी शुरुआत हुई साल 2007 से, जब हबल टेलीस्कोप से प्राप्त इस विजिबल लाइट इमेज में हम इस तारे को जो जाना जाता है N6946-BH1 नाम से काफी साफ तौर पर देख पा रहे थे। वहीं साल 2009 में मई माह में खगोल शास्त्रियों ने इसकी लुमिनोसिटी में बढ़ोतरी को दर्ज करना शुरू किया, जो बढ़ते बढ़ते हमारे सूर्य की लुमिनोसिटी से तकरीबन 10 लाख गुना तक ज्यादा हो चली थी। लेकिन खगोलविदों के मुताबिक ये चमक उतनी नहीं थी जितनी इस आकार और द्रव्यमान का तारा प्रोड्यूस या उत्पन्न करता है। ये तारा द्रव्यमान में हमारे सूर्य से तकरीबन 25 गुना ज्यादा भारी था। फिर साल 2015 तक आते आते खगोलविदों ने इस तारे को उसी फिल्टर और उसी विजिबल वेवलेंथ पर अचानक से गायब पाया, जो वाकई रहस्यमय था। शुरुआती एक्सप्लेनेशन यही दी गई कि तारा मरकर एक ब्लैक होल बन गया होगा, लेकिन एक तारे के मरकर ब्लैक होल बनने की जिस थ्योरी को हम अब तक मानते और पढ़ते आ रहे थे वो थी सुपरनोवा, जिसके चलते या तो तारा मरकर एक न्यूट्रॉन स्टार के रूप में अपने अवशेषों को छोड़ता है या एक ब्लैक होल में तब्दील होकर। लेकिन खगोलविदों की जो टीम इस तारे पर शुरू से ही साउथ ईस्टर्न एरिजोना में मौजूद लार्ज बायनोकुलर टेलीस्कोप के जरिए नजर बनाए हुए थी, उन्होंने नोटिस किया कि साल 2007 से साल 2009 तक इसकी लुमिनिसिटी में बढ़ोतरी होती रही, लेकिन उस हद तक नहीं जो एक सुपरनोवा में देखने को मिलती है। और 2009 के बाद से ग्राफ में इस तारे की लुमिनिसिटी में निरंतर गिरावट ही देखी वो ऑब्जर्व की गई, और 2015 तक आते आते ये तारा विजिबल वेवलेंथ पर पूरी तरह से गायब हो चला था। हालांकि स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा इंफ्रारेड वेवलेंथ पर इसके बचे हुए कुछ अवशेष विजिबल रहे थे, जिसमें इसकी चमक को धुंधला पड़ते हुए और गायब होते हुए देखा जा सकता था। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा था कि अगर हम इस तारे को सुपरनोवा होते हुए नहीं देख पाए, जबकि थ्योरीज के मुताबिक इसे ब्लैक होल में तब्दील होने से पहले होना चाहिए था, तो ऐसा हुआ क्या इस तारे के साथ जो ये अचानक से दिखाई देना बंद हो गया? वेल, यहीं पर जन्म हुआ सुपरनोवा से जुड़ी एक और नई टर्म का, जिसे कहा गया फेल्ड सुपरनोवास। फेल्ड सुपरनोवा ब्रह्मांड में इन मैसिव तारों के साथ हुआ एक ऐसा अजीब फिनोमेना है जिसमें एक विशाल तारा मरते वक्त आकार और चमक को बढ़ाते हुए शुरुआती तौर पर तो एक सुपरनोवा की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन उतनी अधिक मात्रा में चमक और अवशेषों को नहीं छोड़ पाता है जितनी मात्रा में अक्सर सुपरनोवास को करते हुए खगोलविदों ने ऑब्जर्व किया है। इन तरह के फेल्ड सुपरनोवास को खगोलविदों द्वारा अननोवास नाम से भी जाना जाता है। इनको लेकर वैज्ञानिकों का तर्क यही है कि जब एक रेड सुपरजायंट स्टार जो मैस में तकरीबन 17 सोलर मैसेस से ऊपर होता है और अपने आखिरी चरणों में होता है, तो किसी कारणवश वो अपनी ही ग्रेविटी में पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और एक स्टेलर मैस ब्लैक होल के जन्म का कारण बनता है। वेल, इन फेल्ड सुपरनोवास के ऊपर खगोलविदों की ओर से अभी रिसर्च जारी है, और फेल्ड सुपरनोवास का ये इतिहास में दर्ज अभी तक का पहला ही उदाहरण है, जिसमें सूर्य से एक 25 गुना ज्यादा मैसिव तारा साल 2015 में रातों रात गायब हो गया। कल्पना कीजिए एक ऐसे ही जीवन योग्य ग्रह की जो ऐसे ही किसी तारे के इर्द गिर्द मंडरा रहा हो और अचानक से उस ग्रह पर बसे जीवों को आसमान में उनका सूर्य दिखना बंद हो जाए। ऐसे में वे एक धीमी और बेहद हिंसक मौत का शिकार होंगे, जहां उनका ग्रह धीरे धीरे बर्फ के एक बड़े पिंड में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। अगर इस तारे के इर्द गिर्द भी ऐसा ही कोई जीवन योग्य ग्रह रहा होगा
जहाँ जीवन फल फूल रहा होगा, तो अब शायद हमें वहाँ ऐसा ही एक बर्फ का पिंड दिखाई पड़े। वेल, हमको खुद को बेहद खुश नसीब समझना चाहिए कि हम एक ऐसी गैलेक्सी का हिस्सा हैं जहाँ ऐसी विध्वंसक घटनाएं सदियों में एक आधी बार ही होती हैं। इसी कारण हमारे इस खूबसूरत ग्रह पर जीवन को पनपने और फलने फूलने का भरपूर मौका भी मिला है। इसलिए अपने आप को बेहद खुश नसीब समझें और इस अनमोल जीवन के लिए अपने ईश्वर को धन्यवाद दें और कद्र करें इस ग्रह की, जो विभिन्न जीव जंतुओं को करोड़ों सालों से बिना कुछ मांगे सींचता आ रहा है। वेल, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज कुछ नया जरूर सीखा होगा आपने। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज।